चलिए क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो, दिस वन और दिस वन? देर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, हमने पहले भी ये किया हुआ है, एक ईयर में 52 वीक्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर 53 मंडेज, मंडे की जगह कोई और डे भी आपका हो सकता है, इन एन ऑर्डिनरी ईयर, पहले ऑर्डिनरी ईयर में था, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं? अब इसमें हम चेक करेंगे कितने कंप्लीट वीक्स बन रहे हैं और कितने डेज हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे। 365 को एक वीक में 7 डेज आ गया, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 डे एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा, यानी कि 365 डेज जो 1 मंथ के हमने 1 ईयर में हमने लिए, दैट वी हैव अरेंज्ड एज 52 कंप्लीट वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है वो एक एक्स्ट्रा दिन है जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 7 डेज में से कोई भी एक डे हो सकता है, तो दिस 1 एक्स्ट्रा डे कैन बी हांजी। अभी तुम्हें पहले टोटल लिखवा रही हूँ, 53 मंडेज, मंडे की जगह कोई भी डे होगा सेम डे में आपको। नाउ दिस 1 एक्स्ट्रा डे कैन बी एनी ऑफ दीज 7 डेज, इट कैन बी मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो टोटल जो है डेज कितने बन गए ये 7, ठीक है। अब हमें जो है क्या लेना है, 53 मंडेज मींस 52 मंडेज तो इसमें आ चुके हैं, ये जो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बन रहा है दिस शुड बी अ मंडे। अब ये हमारा फेवरेबल केस हो गया, कितने मंडेज आ रहे हैं यहाँ पे, 1 ओनली, टोटल कितने हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज दैट विल बी गिवन बाय 1/7, ठीक है, क्लियर। सेम क्वेश्चन, ये हो गया नोट डाउन, कर दूं चेंज। अब सेम क्वेश्चन आपका आ सकता है, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 मंडेज एंड 53 ट्यूसडेज लीप ईयर, लीप ईयर में। अब लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज आपके चेंज हो जाएंगे, दैट विल बी 366, सेम वे में रिमाइंडर विल चेंज, यानी कि नाउ वी विल बी हैविंग 2 एक्स्ट्रा डेज। अब ये 2 एक्स्ट्रा डेज जो है वो कॉम्बिनेशन में लेने हैं, और एक चीज का ध्यान रखना है, डेज हमेशा कंसेक्यूटिव लेके चलने। अगर मैंने मंडे लिया है तो मंडे के साथ ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ वेंसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, संडे एंड मंडे, फिर मंडे शुरू हो जाएगा, यानी कि वापस अगेन टोटल कितने बने 7, और फेवरेबल केसेस 53 मंडेज है, ट्यूजडेज नहीं है साथ में, देयर आर 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। अब मंडेज काउंट करो, ये एक फेवरेबल केस है और एक ये फेवरेबल केस है, यानी कि नाउ वी आर हैविंग 2 फेवरेबल केस, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर 2 केसेस है, तो दैट विल बी 2/7, यानी कि लीप ईयर में कोई भी दिन निकालना आ जाए इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7, ऑर्डिनरी ईयर में कोई भी दिन निकालना आ जाए इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7, फिर एक केस बनता। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लीप ईयर वाले में अगर ये ऐसे आ जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 मंडेज एंड 53 ट्यूसडेज, तो मंडे ट्यूसडे वाला एक केस बन रहा है, उस केस में यहाँ ये आंसर आपका 1/7, ठीक है। अगर एक अकेले दिन का पूछा जा रहा है लीप ईयर में तो इट विल बी 2/7, अगर दो डेज का कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, कंसेक्यूटिव डेज होंगे डेफिनेटली,
तो इट प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7 अगर कंसेक्यूटिव डेज पेयर वाइज हो. गॉट दिस? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस और अ हार्ट. अब हार्ट के कार्ड्स कितने होते हैं? 13. और एसेस कितने होते हैं? और एस ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 1. तो जब मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ केसेस वगैरह अपने आप बना लेना, प्रोबेबिलिटी इट शुड बी एन एस और अ हार्ट. अब एसेस कितने हैं हमारे पास? 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस विल बी 4/52. गेटिंग अ हार्ट विल बी 3/52. अब इसमें एक एस ऐसा है जो हार्ट का है, यानी कि वो यहाँ पे भी आ चुका है, वो यहाँ पे भी आ चुका है. उस कार्ड को हम 2 बार लेंगे, तो हमें कितनी बार लेना है उसको? 1 बार लेना है, यानी कि 1 टाइम जो कॉमन वाला है वो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट. क्लियर? तो अगर बीच में और है तो पहले एस वाले केसेस ले लो, फिर हार्ट वाले केसेस ले लो, उनको एड करो, उसमें से जो कॉमन वाले केसेस बन रहे हैं दैट वी विल सब्ट्रैक्ट. ठीक है? सेम क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है, दैट इज अ एन एस और अ रेड कार्ड, तो 26/52 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26/52. अब माइनस 2/52. वाई? क्योंकि अब रेड एसेस कितने हैं? 2 है. ठीक है, वो हम यहाँ पे भी काउंट कर चुके हैं, वो हम यहाँ दोबारा ले, इसमें भी दोबारा ले, तो हमने क्या किया उसको? माइनस. ठीक है, क्लियर है? सिर्फ ये चीज करना है. अगर यहाँ पे एंड आ जाता, एस एंड अ रेड कार्ड, फिर माइनस नहीं होएगा, प्लस होएगा. कितने एसेस रेड है उसमें? 2. तो फिर ये डिफरेंट केसेस आपके नहीं है. ठीक है, एसेस एंड आ गया ना, एंड का मतलब दोनों कंडीशन शुड बी साइमल्टेनियसली ट्रू. और में क्या था? या ये, बट यहाँ पे क्या है? दोनों इकट्ठे लेने हैं, तो एस भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए. रेड एसेस कितने हैं हमारे पास? 2. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी उस केस में? 2/3. तो ये चीज का ध्यान रखना है, और है, एंड है, या किस तरीके से आपको वो कंडीशन दी है. एनी अदर डाउट? At most or at least 2 coins are tossed. What will be the sample space? Kya gaya sample space? Find the probability of getting at least one head. At least का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम 2 कॉइंस जो है वो कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 है. पहले फेवरेबल केसेस देखो, एट लीस्ट में हमने क्या करना है? इससे आगे की तरफ बढ़ना है, 1 से आगे, इसको भी लेना है और इससे आगे भी जाना है. यानी कि हेड्स कितने होने चाहिए? 1 और 2, या 1 हेड या 2 हेड. 1 हेड वाले कितने केसेस हैं? ये 2 केसेस हैं. अब 2 हेड वाले कितने केसेस हैं? तो टोटल कितने केसेस हो गए? 3 हो गए, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, दैट इज 4. अब सेम क्वेश्चन, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. ज्यादा से ज्यादा 1 मीन्स 0 इज इंक्लूडेड और नॉट. तो एटमोस्ट में हमने पीछे की तरफ जाना, 1 हेड उसने कहा एटमोस्ट है, तो मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे लेस भी ले सकते हैं. एटलीस्ट है तो मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, ज्यादा भी ले सकते. गॉट इट? तो एटलीस्ट में आगे की तरफ जाना है, जितने टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया, एटमोस्ट में पीछे की तरफ अप टू 0 जाना है, नेगेटिव नहीं है. What this point? अब at most 1 head वाले कौन-कौन से cases बने? अब HH की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 वाला case will be. ठीक है? तो कितने
बने टोटल थ्री अगेन द प्रोबेबिलिटी विल बी थ्री बाई फोर एटमोस्ट में नहीं, एटमोस्ट में जीरो वाला भी नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब या तो आप ऐसे करके देख लिया करो कि जैसे मैंने टू टाइम्स हेड थ्रो किया तो जीरो हेड वन हेड या टू हेड ऐसे लिख लो रफ में। अब एटलीस्ट कह रहा है वन तो यहाँ आ गया, यानी कि इधर वाले सारे केस में। फिर मैंने ये लिखा हुआ है, अब वो क्या कह रहा है, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट मतलब हमने पीछे की तरफ, ठीक है, क्लियर है। अब थ्री कॉइंस में सेम केस करेंगे, थ्री कॉइंस का सैंपल स्पेस आता है, देखो नहीं आता तो देखो, पहला कॉइन हम जब करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, सेकंड कॉइन हम करेंगे तो अगेन इट विल बी हेड और टेल, अब जब थर्ड वाला करोगे तो अगेन इट विल बी हेड और टेल। अब बनाओ एक बन गया एच एच एच, अगला एच 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 बन गया, अब इसी के साथ एच एच टी, अब नेक्स्ट बनाना है एच एच टी, नेक्स्ट बनाओ ठीक है, या तो ऐसे कर लो अदरवाइज, और सबसे इजीएस्ट वे पहले तीनों एच ले लो, अब एक एच को एक टी से रिप्लेस करो, ठीक है, यहाँ पे पहली पोजीशन मैंने चेंज कर दी टी एच एच, अब टी की ये वाले दो पोजीशंस के भी लिखना है एच टी एच या एच एच टी, केसेस कंप्लीट। अब दो एच रिप्लेस कर दो तो टी टी एच, अब एच को बीच में ले आओ और एच को पहनो, ये केसेस कंप्लीट। अब क्या रह गया हमारे पास, तीनों के तीनों एच को रिप्लेस कर, तो दोनों में से जो इजी वे लगे यू कैन डू इन दैट, ठीक है। वो यही टेस हो गया ना, पहले फोर थी, नेक्स्ट फोर थी। चलिए अब थ्री कॉइन्स आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स एंड वन टेल, टू हेड्स एंड वन टेल वाले केसेस कितने, यहाँ पे टू हेड्स हैं, यहाँ पे टू हेड्स हैं, यहाँ पे टू हेड्स हैं, थ्री केसेस और टोटल आर एट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स एंड वन टेल थ्री बाय एट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड 2 by 3, exactly one head, देखो कहाँ कहाँ है, 1, 2 and 3, this is again 3 by 8, at least one tail, अब देखो numbers मैंने आपको क्या लिखवाए थे, 0, 1, 2, 3, एट लीस्ट वन टेल है, ये मैंने लाइन लगा दी, एट लीस्ट में मुझे कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड, यानी कि वन टेल वाला, टू टेल वाला एंड थ्री टेल्स वाले सारे केसेस मुझे ले, तो व्हाट विल बी दैट प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट टू टेल्स, एट मोस्ट वन टेल लो, एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट में मुझे इधर जाना है,
आप जीरो और वन वाले केसेस लेंगे, जीरो वाला ट्रिपल एच हो गया आपका, और वन टेल लेने, वन टेल वाले वन टू एंड थ्री केसेस, टोटल कितने हो गए, फोर बाय एट दैट इज वन बाय टू। ठीक है, एनी अदर डाउट ध्रुव? अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन आप फ्रेम करेंगे, कोई भी प्रोबेबिलिटी दो किसी को भी, मतलब पूरी क्लास फाइंड आउट करेगी। क्वेश्चन इज की वी हैव टॉस्ड थ्री कॉइंस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आगे आप बताएंगे किसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स एंड वन टेल, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और कुछ बोलो। वन हेड एंड टू टेल्स, थ्री बाय एट। अच्छा, अगर आता है वन हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल में प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो। ठीक है, क्यों जीरो होगी, क्योंकि फेवरेबल इवेंट कोई नहीं बनेगा। एनी अदर डाउट प्रोबेबिलिटी का, और कोई टाइप जो आप चाहो कि क्लास में, नहीं उसमें रेशियो वाले आ सकते हैं, नहीं विद एग्जांपल्स, विद, हाँ जी, अदरवाइज यू हैव टू डू द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जांपल्स फोर के साथ सिक्स नहीं ले सकते, फाइव के साथ फाइव नहीं ले सकते, फाइव के साथ सिक्स, सिक्स के साथ फाइव, सिक्स के साथ सिक्स, तीन केसेस बने अपॉन में 36। उसमें वो ध्यान रखना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू है या ग्रेटर है या बिटवीन है, डिपेंडिंग। डबलेट मींस दोनों नंबर्स आपके सेम हैं, ये सारे नॉन डबलेट्स, डबलेट्स की अगर निकालनी है तो दैट विल बी 6/36, अदरवाइज इट विल बी नॉन 30/36। बुक दे दो, कौन सा क्वेश्चन, कई फैशन करवा कर बाकी दो लोग शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है, एक गिवन है हमें पैरेललोग्राम, उसके जो बाइसेक्टर्स हैं उनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है दैट इज अ रेक्टेंगल। We are to show that this is a rectangle. PQRS is a rectangle. PQRS हमने रेक्टेंगल शो करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन शो करनी पड़ेगी? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल एंड वन ऑफ द एंगल्स 90। क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी 180। रीजन जरूर मेंशन करने हैं, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल डी, कौन कौन से एंगल्स हाफ ऑफ ए, ये वन हो गया, ये टू हो गया। अब ये ट्रायंगल ले लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हमने शो कर दिया एंगल पी 90 डिग्री। ठीक है,
एंगल बी 90 कैसे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। So this is 180 minus 1 plus 2 कितना है हमारे पास 9, तो ये 90 आ गया। एंगल पी ए पी डी 90 है तो क्यू पी एस भी 90 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू पी एस या एस पी क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम वे में सिमिलरली यू आर हैविंग दिस एंगल ऑल्सो एज 90। तो सेम वे में एंगल क्यू आर एस पी आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। नाउ हाँ हो गया, क्यू आर एस 90 लिख दिया मैंने सिमिलरली। ओके, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। एनी अदर डाउट? 26, 35,